Hello everyone. Hello. Hello everyone. Hello everyone, today I'm gonna make a pull apart cupcake. आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए. हाय दीपाली. Can we start? Hello Jyoti ji, good afternoon. My name is Shweta. I am from Bangalore. I am a certified entrepreneur in baking. And I have a baking school as well, Tasty Bakes with Shweta online. तो आज मैं आप सभी को सबसे पहले तो मैं खाद्या खुराक की कंप्लीट टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है इस प्लेटफॉर्म में फिर से एक बार लाइव करने का. और आज हम सिखाने जा रहे हैं पुल अपार्ट कपकेक. उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कपकेक जो है वो हम कैसे बनाएंगे और जो कपकेक मैं बनाने वाली हूँ उसकी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है. कपकेक एंड मफिन्स में क्या होता है, मफिन्स में टॉपिंग्स होती है एंड कपकेक्स में फ्रॉस्टिंग एंड फिलिंग होती है. ठीक है, तो बट ये जो हम पुल अपार्ट कपकेक बना रहे हैं, पुल अपार्ट कपकेक में हमें फ्रॉस्टिंग ही हम देंगे, फिलिंग नहीं देंगे. तो अगर हम फिलिंग नहीं देंगे पुल अपार्ट कपकेक को तो उसको और टेस्टियर बनाने के लिए एक रेसिपी के थ्रू मैं बना रही हूँ. ओके, सो दैट रेसिपी इज टोटली डिफरेंट. वो मफिन्स का भी नहीं है, कपकेक का भी नहीं है, वो एक अलग रेसिपी है जो अंदर से आपको वो अलग टेस्ट आएगी. ओके, तो मैं सबसे पहले बनाने जा रही हूँ मफिन्स की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो एक डिफरेंट रेसिपी है. और उसके बाद मैं बताऊंगी कि उसको हम कैसे डेकोरेट करेंगे. ओके, मफिन्स अभी तक हमने मफिन सिर्फ अलग से देते आए हैं या कपकेक्स अलग से देखते आए हैं, पर हम उसे एक अलग लुक पे प्रेजेंट करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं हमें बटर लेना है और शुगर लेना है. बटर हमें लेना है हाफ कप और शुगर लेना है 1/4 कप. आप शुगर भी ले सकते हैं, शुगर पाउडर भी ले सकते हैं. ओके, सो ये है आपका बटर एंड शुगर. मैंने टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी इसे थोड़ी सी व्हिप कर रखी है. ओके, सो बटर लेना है हाफ कप एंड शुगर लेना है 1/4 कप. ओके, बिकॉज हम ऑलरेडी फ्रॉस्टिंग में स्वीटनेस डालेंगे तो हमें स्वीटनेस ज्यादा नहीं चाहिए केक के अंदर. और इसके बाद मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज करूंगी जिसमें आपको ज्यादा शुगर की जरूरत नहीं है. जो लोग कम शुगर खाते हैं वो दो इंग्रेडिएंट डालेंगे तो इट विल टेस्ट रियली गुड. ओके, सो
तो सबसे पहले मैंने बटर लिया है हाफ कप, और मैं सबसे पहले बता दूं, मैं सबसे पहले आपको केक बनाना सिखाऊंगी मफिन, उसके बाद मैं डिजाइनिंग पार्ट पे आऊंगी। तो जब तक मफिन की पार्ट चल रही हो, आपको जो भी डाउट हो आप पूछ ले, क्योंकि डिजाइनिंग पार्ट आने के बाद इट विल बी डिफिकल्ट, मैं मफिन की रेसिपी नहीं बता पाऊंगी। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख के दे दूंगी। ओके, तो सबसे पहले मैं बटर ली हूँ हाफ कप, और 1/4 कप हमने शुगर पाउडर लिया है, ठीक है, और उससे शुगर पाउडर और शुगर लिया है मैंने, और इसके बाद आप इसे अच्छे से व्हिप कर लेंगे। व्हिप करने के बाद हमने एक बटर मिल्क रेडी किया था। बटर मिल्क कैसे रेडी करते हैं, 1 कप अगर आप मिल्क लेते हो उसका सिर्फ 2 टेबलस्पून आपको विनेगर डालनी है। ल्यूकवार्म मिल्क में 2 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे तो इट विल बी लिटिल, थोड़ी सी फटने लगेगी। ओके, कर्डल टाइप, तो वो कर्डल टाइप वाला मिल्क हमें लेना है। तो मैंने यहाँ 2 कप मिल्क लिया है और 4 टेबलस्पून कर्डल किया हुआ, 4 टेबलस्पून विनेगर डाला है, ठीक है। तो इसको मैंने कर्डल किया है, तो कर्डल करने के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। ओके, तो ये हम यूज करेंगे बैटर को मिक्स करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले मैंने शुगर लिया है, बटर लिया है, उसके बाद मैंने मिल्क में थोड़ी सी विनेगर डाल के उसे थोड़े 30 मिनट्स के लिए ढक के रख दिया, तो वो कर्डल हो चुकी है। कर्डल होने के बाद हम क्या करेंगे, एक बाउल में सिर्फ मैदा लेंगे। ओके, मैदा हमने लिया है 2 कप्स, इसमें मैं 1 टीएसपी इसमें मैं 1 टीएसपी लूंगी बेकिंग पाउडर। ओके, 1 टीएसपी मैं बेकिंग पाउडर लूंगी और 1/2 टीएसपी बेकिंग सोडा, ठीक है, 1/2 टीएसपी मैं लूंगी बेकिंग सोडा। ओके, 1/2 टीएसपी बेकिंग सोडा। अब इसको हम मिक्स करके अच्छी तरह से ले लेंगे। आई होप एवरी वन इज एबल टू सी, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है। इसे मैं मिक्स करूंगी अच्छे से, पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ओके, तो फिर मैंने इसको मिक्स करा, उससे पहले आपको ओटीजी प्री हीट करके रखना है 170 डिग्री में फॉर 5 to 6 मिनट्स। ओके, 5 to 6 मिनट्स, ज्यादा नहीं, बिकॉज ऊपर वाली लेयर जल सकती है, ठीक है, और कन्वेक्शन मोड में 170 डिग्री में प्री हीट करके आप रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया, और फिर और कढ़ाई जो लोग यूज करें दे कैन यूज स्टैंड, और उसके ऊपर आप प्लेट रख के भी आप कपकेक्स सजा सकते हैं, कप्स वाली, इस तरह की मफिन लाइनर्स नहीं हो पाएगी। ओके, तो ये हो गया। अब मैं जो मैंने बटर और शुगर को मिला के रखी थी, मैं उसमें थोड़ा सा मैं पाइनएप्पल वाला जो क्रश आता है, इस तरह का मालास का पाइनएप्पल वाला क्रश आता है, बटर अनसॉल्टेड लेना है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो आप सॉल्ट डाल सकते हैं 1 पिंच, ठीक है, ज्यादा नहीं, और अगर 1 पिंच या फिर 1/4 ले सकते हैं, और अगर सॉल्टेड नहीं है, नॉर्मल है, तो आप आई मीन सॉल्टेड है तो ऐड मत करें, बट मफिन्स एंड केक्स वगैरह में जनरली अनसॉल्टेड हम यूज करते हैं। ओके, तो ये जो क्रश है हमें इसे 1 टेबलस्पून यूज करना है। ओके, 1 to 2 टेबलस्पून आप क्रश डाल लें, बिकॉज ये जो है मफिन्स में अंदर भी एक बहुत अच्छा टेस्ट देगी जो केक है, क्योंकि हम इसमें फिलिंग नहीं भर रहे हैं, इस केक कपकेक में हम फिलिंग नहीं भरेंगे इनसाइड। कपकेक का मतलब होता है जिसके अंदर फिलिंग हो, ठीक है, तो हम फिलिंग नहीं भरेंगे इसके अंदर। तो हम जब बटर शुगर मिलाएंगे उस टाइम पे ही हम क्रश डालेंगे। आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। ओके, इस टाइम पे हम इसे मिक्स कर लेंगे। जब हम इसे मिक्स करेंगे तो इसी टाइम पे, बिकॉज इस टाइम पे वो लम्स रहती है, तो दिस टाइम ओनली हैव टू मिक्स इट वेल, ठीक है, और फिर हम इसमें थोड़ा सा जो हमने वाटर जो हमने कर्डल्ड मिल्क लिया था उसको हम थोड़ा सा डालेंगे। ओके, एंड हम स्पैचुला से मिक्स करेंगे पहले। ओके, ज्यादा नहीं, जोर से नहीं, स्पैचुला से हमें मिक्स करना है, हल्के से, ये कर्डल्ड ही रहेगा। ओके, एक बैच आप डालोगे, फिर ये जो बेकिंग पाउडर और ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपने लिया था उसको आप डालोगे। ओके,
फिर इसे हल्के हाथ से मिलाना है, ज्यादा जोर नहीं, बिकॉज हमने बेकिंग पाउडर जो डाल दिया था वो फिर ये होने लग जाएगा, क्रैक्स आने लग जाएंगे आपके केक के ऊपर, तो इसलिए हल्के हाथों से मिलाना है और जितना हो सके उतना ही आपको ये मैंने अब सेकेंड बैच डाला है मिल्क का, ओके, हल्के हाथ से। हम लास्ट में बीटर यूज करेंगे, आप बीटर तो बीटर यूज करो या विस्कर यूज करो, ओके। और ये मैं लास्ट पूरी बैच डाल रही हूँ। अब मैं इसे हल्के हाथ से मिक्स करूंगी। इस टाइम पे मैंने अभी वेनिला मैंने एसेंस नहीं डाला है, मैं पाइनएप्पल फ्लेवर का बना रही हूँ तो इसलिए मैं पाइनएप्पल एसेंस डालूंगी, बट इस बार हम इमल्शन यूज करेंगे, ओके, एसेंस नहीं यूज करेंगे। आई होप किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। अब इस पॉइंट पे मैं बीटर यूज करूंगी। सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डालने के बाद आपको ज्यादा नहीं मिलाना है, नहीं तो वो टेक्सचर जो है केक का खराब हो सकती है, ओके। सो ये हो गया, ये कुछ इस तरह से बैटर हो जाएगी, ओके। हाय भावना, ओके, बैटर इस तरह से हो जाएगी। अब हम यूज करेंगे इमल्शन, जो एक बेकर्स विले में अवेलेबल होती है ये इमल्शन, इसमें कलर और फ्लेवर दोनों आएगा, तो ये इमल्शन यू कैन यूज इट, ओके। तो ये हो गया, ये मैं आप 1 TSP तक यूज कर सकते हो, ओके। तो इसमें स्मेल भी अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है, तो इसे इमल्शन कहते हैं, ओके। और ये इसकी बैटर थोड़ी थिक होती है, वॉटरी नहीं करेंगे हम, ओके। और इसे इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, दिस मेथड इज कॉल्ड एज कट एंड फोल्ड मेथड। इस तरह से आपको काटना है और घुमाना है, इससे क्या होगा आपका जो केक है वो ओवर मिक्स नहीं होगा, लाइटली हैंडल करना है, ओके। सो ये हो गया। नेक्स्ट मैंने मफिन लाइनर्स लिया है, ओके, मफिन लाइनर्स मैंने लिया है और इस तरह से मैंने लाइनर्स इस प्लेट में डाला है। अगर आप इस तरह का ट्रे यूज कर रहे हैं तो आपके ओटीजी में जो रैक होता है उस पे रखो, अगर साइज में नहीं आ रही, नहीं तो आप डायरेक्टली रख सकते हो, बट डोंट, इसके नीचे ट्रे नहीं रखनी, ट्रे के ऊपर आपको नहीं रखनी है, नहीं तो क्या होगा वो नीचे से प्रॉपर हीट नहीं मिल पाएगा, ओके। सो या तो आप इस बैटर को, ये बैटर अराउंड 15-20 कपकेक्स बनाएगा, या तो आप इस बैटर को पाइपिंग बैग में डाल के डालो, या तो फिर आप इस बैटर को स्पून से ही, 2 स्पून से ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो वो ज्यादा ओवरफ्लो होने लगेगी आपकी जो कपकेक्स है, ठीक है। तो मैंने इतना तक, जिस किसी को भी डाउट है बैटर पार्ट में प्लीज पूछ ले, बिकॉज डिजाइनिंग पार्ट फिर मैं डिजाइनिंग पार्ट में आऊंगी तो फिर आई कैन नॉट एक्सप्लेन द बैटर पार्ट, ठीक है। तो पुल अपार्ट कपकेक जो हम बनाने जा रहे हैं वो ऐसा कपकेक है जो आपको काटने की जरूरत नहीं है, आप पुल करके भी खा सकते हो, और इसमें ये क्या हिसाब से आप बना सकते हो, जैसे कोई बर्थडे पार्टीज है, 20 people are coming, तो आप इस 20 cupcakes को जोड़ के एक होल केक बना सकते हो, और इसमें क्या होगा केक की वेस्टेज नहीं होगी। बेनिफिट्स यही है कि इसमें केक की वेस्टेज नहीं होगी, कट नहीं करना होगा, यू कैन पुल एंड ईट इट, ओके। मैं रेसिपी रिटर्न दूंगी, ओके। मफिन्स और कपकेक में ये डिफरेंस होता है कि मफिन्स में स्वीट एंड सेवरी होता है, मफिन्स में टॉपिंग होती है, मफिन्स कपकेक में फिलिंग होती है अंदर में, और फ्रॉस्टिंग होती है जो ऑलवेज स्वीट होती है। तो ये है मेजर डिफरेंस मफिन्स एंड कपकेक। मफिन्स आर लिटिल बिट ड्राई और कपकेक्स जो थोड़ी मॉइस्ट होती है। I hope I have answered the question. I hope I have answered your question, Preeti ji. Okay, ये हो गया।
अब हम इसे टैप करेंगे, टैप करना जरूरी है ताकि जितने एयर बबल्स हैं निकल जाए। अब मैं इसको बेकिंग पे डाल दूंगी। ओके, उसके बाद हम जो है आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस रेसिपी। इसके बाद मैं डिजाइनिंग पार्ट पे आऊंगी, तो अगर किसी को क्लियर नहीं हो तो प्लीज क्वेश्चन मी। ठीक है, आई होप कोई सो नहीं रहे होंगे, सब जगे हैं। ओके ओके, तो मैं इसको आई जस्ट पुट इट एंड कम। और मैं जो केक रेडी की हूं वो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, और उसके हम डिजाइनिंग पार्ट करेंगे। ओके, हेलो कमल जी जी, हम बटर, आप बटर नहीं तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ओके, आप बटर नहीं तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं, तो कपकेक कुछ इस तरह से होगा। ओके, आपका जो मफिन्स है। ओके, मैंने ठीक है जोशी सर, आप सोइए फिर। ओके ओके, अब मैं बताने जा रही हूँ, एक आपको केक बोर्ड लेना है और मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है पुल अपार्ट कपकेक। तो आपको सबसे पहले केक बोर्ड लेना है। ओके, और मैंने जो इधर सजाया मैं आपको फिर से यहाँ सजा के बताती हूँ। ओके ओके, तो सबसे पहले हम ऐसे इस तरह से, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये जो हम बना रहे हैं पुल अपार्ट कपकेक, ये बनेगी कैसे। ओके, तो पुल अपार्ट कपकेक के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आपके पास अगर कोई पाइनएप्पल शेप, मैं पाइनएप्पल शेप दे रही हूँ इस केक को। ओके, तो अगर आपके पास कोई पाइनएप्पल शेप है तो आप उस पाइनएप्पल को, पेपर को पाइनएप्पल शेप में कट करके यू कैन यूज इट। अगर नहीं है तो आप क्या करो, आप ये टेम्पलेट्स अवेलेबल होती हैं कि अगर पाइनएप्पल बनाना हो तो उसमें कितना कपकेक्स लगेगा, बट उस पर आप मत जाओ, आप अपने एनालिसिस करो कि हमें डिजाइन इस बोर्ड पे, जैसे ये 16x16 का बोर्ड है तो इस बोर्ड में कितना आ सकता है, वो डिजाइन के हिसाब से आपको कपकेक लेना, डिजाइन के हिसाब से आपको लेनी है। ओके, केक कपकेक्स, तो मेरा 27 समथिंग कपकेक्स मैंने बनाया है, तो मैं इसको बताती हूँ कि कैसे हम डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रेट रख रही हूँ। ओके, आई होप सभी को दिख रहा है। कपकेक कढ़ाई में बना सकते हैं, आपको कढ़ाई में बनाने के लिए स्टैंड लेना है, उसके ऊपर प्लेट लेना है, और फिर अगर कप्स है आपके पास तो कप्स को रख सकते हैं आप। ओके, तो ये मैंने इसमें, अब आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे रख रही हूँ, हो सकता है मैं ट्रैवलिंग में गिरा दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ट्रैवलिंग्स में ये नहीं गिरेगा, बिकॉज जब हम इसमें क्रीमिंग करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि ट्रैवलिंग में ये गिर सकता है ये केक, तो आप नीचे लेयर में गनाश डाल के, हर एक कपकेक के नीचे एक गनाश डाल के आप उसको चिपका सकते हो। ओके, सो आई होप इतना तक सबको समझ आया कि मैं क्या बोल रही हूँ। या थैंक यू सर। ओके, तो ये हो गया, ये मैं स्ट्रेट एक डाली हूं, और ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये ऐसे डालना है बीच पे। ओके, तो ये बीच में जाएगा। ओके, एडिबल इंक को फ्रिज में, हाँ एडिबल इंक नॉर्मली भी रहती है, ऐसे नहीं है, वो ड्राई हो जाती है जल्दी, तो आपको यूज अपने हिसाब से करना है। तो ये आपको दिख रहा है, मैं अभी एक के बीच में, एक के बीच में एक डाली हूं। ओके, देन फिर हम इसके, इस दोनों के बीच में डालेंगे। ओके, इस दोनों के बीच में मैंने डाला। ओके, तो ये कुछ इस तरह से हो गया, आई थिंक एवरीवन कैन सी। ओके, ये हो गया। ओके, अब मैं इसको एक पेटल्स जो होती है पाइनएप्पल, पेटल्स मीन्स जो उसकी लीव होती है पाइनएप्पल की, वो कुछ इस तरह से होगी। ओके,
तो ये मैं थोड़ा डायगनल दी हूँ, ठीक है, और ये थोड़ा डायगनल दी हूँ, ओके। तो अगर आपको मैं ऐसे दिखाऊं तो ये इफ यू कैन सी ये कुछ इस तरह से बनेगी, ओके। तो इसको मैं अभी अब इसको मैं अभी थोड़ा जब मैं क्रीम लगाऊंगी तो आप लोग इसका प्रॉपर लुक देख सकते हो। तो पहले मैंने फोर डाला, फोर के बीच बीच में फिर नेक्स्ट फोर डाला, फिर उन फोर के बीच में फिर नेक्स्ट फोर डाला, और जो यहां पे था इसका सेंटर मैंने दो निकाला, राइट से मैंने दो निकाला, लेफ्ट से मैंने दो निकाला, क्योंकि जब पाइनएप्पल होती है कुछ इस तरह से होती है और उसकी साइड से ऐसे ऐसे पेटल्स होती है, ठीक है। यहां तक सबको समझ आया कि पुल अपार्ट कपकेक्स जनरली बच्चों को शायद पसंद होता है बिकॉज उसमें आप वेराइटी ऑफ फेसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम पुल अपार्ट कपकेक्स जैसे डोरेमोन फेस और कुछ भी आप फ्लेमिंगो वगैरह कुछ भी बन सकता है पुल अपार्ट कपकेक्स में, और इसमें कट करने की जरूरत नहीं है, यू सिंपली नीड टू पुल एंड ईट इट, ओके। सो ये हो गया। अब मैंने जो विप क्रीम लिया था, व्हाइट विप क्रीम है, ओके। विप क्रीम जब भी आप कपकेक पुल अपार्ट कपकेक के लिए लो तो उसे एकदम सॉफ्ट रखो, ओके। और आप मेक श्योर कि आपका जो पाइपिंग बैग है थोड़ा स्ट्रांग हो, ओके, क्योंकि बहुत सारी पाइपिंग बैग में चीजें जाने के बाद यहाँ साइड से फट जाती है, तो आप मेक श्योर कि आप जो पाइपिंग बैग यूज करो वो थोड़ी स्ट्रांग हो, ओके। और पहले जब हम लेयरिंग करेंगे, ओके, तो हमें सिर्फ फ्लैट काटनी है, ओके, सिर्फ फ्लैट लेनी है हमें, कोई ज्यादा हमें ये नहीं करना है, सिर्फ हम फ्लैट लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा, इस बाउल में मैं थोड़ा सा येलो कलर मिक्स करूंगी क्योंकि मैं पाइनएप्पल बना रही हूँ, येलो प्लस ऑरेंज, येलो आप प्लस रेड भी मिला सकते हो, ओके। तो मैं सिर्फ येलो ले रही हूँ, येलो प्लस रेड गिव्स ऑरेंज, ऑरेंज और येलो मिला के आप उसको थोड़ा ऑरेंज शेड दे सकते हो, ओके। तो मैंने थोड़ा सा क्रीम लिया है, अब मैं इसमें येलो, मैं पाइनएप्पल येलो कलर की बना रही हूँ, आप चाहो तो थोड़ा ऑरेंजिश येलो एंड ग्रीन मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो येलो प्लस रेड गिव्स ऑरेंज, ओके। आपको बेकिंग में केक कलर कॉम्बिनेशन जानना बहुत जरूरी है बिकॉज कस्टमर विल अट्रैक्ट विद द लुक, पहले तो लुक से कस्टमर अट्रैक्ट होता है ना, तो बेकिंग में यू हैव टू नो द कलर कॉम्बिनेशन, ओके। तो ये मैंने पाइपिंग बैग लिया है, ओके, किसके कवर, मतलब नहीं कवर्स नहीं निकालना बिकॉज अगर आप ये वाला पूरा दोगे तो कस्टमर होल्ड कैसे करेगा, तो इसीलिए आपको कवर्स नहीं निकालनी है, लाइनर्स वैसी रहेगी, लाइनर्स नहीं निकालनी है, तभी तो ये पुल अपार्ट कपकेक है, नहीं तो ये केक ही कहलाता, ओके। तो मैंने बहुत लाइट कलर दिया है, आप चाहो तो इसमें, और ये फर्स्ट लेयर है तो इसलिए मैंने थोड़ा लाइट कलर दिया है, और पहले भी बता दूं अगर आपको लगता है कि आप श्योर नहीं हो गिर सकता आपका केक कपकेक, अब मैं जैसे घर पे ही हम सर्व करेंगे तो जरूरत नहीं है हमें, अगर ट्रैवल है तो हमें स्टिक करने की जरूरत है, ओके। ये है आपका, ज्यादा फिल नहीं करना, पाइपिंग बैग बड़ा लेना है, एंड मैंने यहां से हमें जो ये एरिया है हमारा टोटल, हमारा जो टोटल कपकेक है 10, उसको हम येलो करेंगे, ओके। तो मेरा क्रीम पतला होना है, तो अगर हमारा क्रीम पतला होगा, आप जैसा देख रहे हो मैं पहले का लेयरिंग नहीं डाली थी कपकेक के ऊपर, ओके, कुछ लेयरिंग नहीं है, डायरेक्ट मैंने अप्लाई करा, ओके। अब मैं इसे स्पैचुला से स्प्रेड करूंगी, आप चाहो तो डायरेक्टली स्पैचुला यूज कर सकते हो, बट आई विल नॉट टेक ये, मैं इसे इस तरह का जो फ्लैट सेमी फ्लैट आता है उससे आपको ये करनी है, ओके। आई होप सभी को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूं,
ओके हमें ज्यादा नहीं लगाना है बिकॉज हम ऊपर फिर से इसकी डिजाइनिंग करेंगे तो हम ज्यादा नहीं लगाएंगे ओके स्पैचुला को ऐसे होल्ड करना है एंड अप्लाई और आप इसी में आप इसको शेप देने की कोशिश करो इसी में आपको शेप देना है ओके इसी टाइम पे आपको थोड़ा पाइनएप्पल शेप देना है हल्के हल्के हाथों से आपको घुमाना है और लगाते जाना ओके मेक श्योर योर क्रीम इज नॉट ड्राई नहीं तो वो लुक नहीं आएगा ओके आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो व्रत बना सकते हो व्रत कपकेक जो डोर्स में लगते हैं क्रिसमस में आप वो बना सकते हो डोरेमोन फेस बना सकते हो एप्पल आइसक्रीम बना सकते हो बहुत सारी चीजें ट्रेंडी लगती हैं ओके ये हो गया पाइनएप्पल का नीचे वाला पाइनएप्पल मतलब सिर्फ पाइनएप्पल पार्ट ओके ये मैंने ओके हल्का सा मैंने इसको सिर्फ हल्का सा फिनिशिंग दिया बिकॉज मैं ऊपर में भी इसकी फिनिशिंग करूंगी तो मैंने हल्का सा सिर्फ लेयरिंग किया इसीलिए मैंने पुल अपार्ट कपकेक बना रहे हो हाँ यू कैन डायरेक्टली स्प्रेड बट क्या होगा ना हमने कपकेक चिपकाया नहीं है नीचे और चिपकाऊंगी भी ना तो कपकेक इधर उधर डिसबैलेंस हो सकती है शेप बिगड़ सकती है इसलिए मैंने पाइपिंग बैक किया और जो मैं बता रही हूँ वो बिगनर लेवल की अगर आप एक्सपर्ट हो तो यू कैन यूज इट ओके अब वो क्या होता है देखिए आप इसी में आप मैंने जो ये लेयरिंग क्यों डाली है ये इसलिए डाली है क्योंकि यही लेयरिंग आपके कपकेक को होल्ड करके रखता है ओके यही लेयरिंग आपके कपकेक को होल्ड करके रखेगा ओके ये हो गया हल्का सा मैंने ये कर लिया अब मेरे पास अभी येलो कलर है आई मीन येलो कलर वाली क्रीम है मैं इसे वेस्ट नहीं होने दूंगी बिकॉज येलो प्लस ग्रीन गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ डार्कर ग्रीन ठीक है तो होगा इसलिए आपको येलो वेस्ट नहीं करनी यही येलो के बैटर में मैंने ओके येलो के बैटर में ही मैंने येलो के बैटर में ही मैं ग्रीन डालूंगी जो मेरा लीफ का कलर है आप चाहो तो लीफ में जो बैठाने वाले हो उस कपकेक को आप ग्रीन कर सकते हो टू लुक इट वेरी ट्रेंडी तो ये ग्रीन कलर मैं डाल रही हूँ येलो प्लस ग्रीन गिव्स डार्कर ग्रीन एंड इफ यू वांट मोर डार्कर ग्रीन आप ब्लैक ऐड कर लो ठीक है और अगर शेड चाहिए तो पाइपिंग बैग में भी ग्रीन डाल लो ओके और इसे बहुत अच्छे तरह से हमें मिलाना होता है आपको देखो ग्रीन की कलर वही है ग्रीन कलर डिडंट चेंज अब मैं सिर्फ लेयरिंग कर रही हूं जब मैं फाइनल लुक दूंगी तब मैं शेड करूंगी ओके ओके इसकी एयर हम निकाल लेंगे किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क ओके कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा समझ नहीं आ रही कि ओके ये वाले जगह पे हम इसका रूट देंगे पाइपिंग बैग से बहुत प्रोमिनेंट निकल के आता है पाइनएप्पल ओके तो इसीलिए मैं पाइपिंग बैग से ले रही हूं आप स्पैचुला से इधर उधर हो जाएंगी ओके तो ये हो गया हल्के हल्के हाथों से इसलिए मैंने बोला कि पाइपिंग बैग का आपको यूज करना है हल्के हाथों से हमें लगाना है तो ये मैं रफ दे रही हूं इसके बाद मैं फिनिशिंग करूंगी तो ये मैं रफ आपको ओके ये हो गया नेक्स्ट ओके
पाइपिंग बैग से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए पाइपिंग बैग आपको यूज करना ही होगा। आप चाहो तो फिर आप अपने हिसाब से डायरेक्टली स्पैचुला भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरा केक स्पैचुला टच करने पे हिल रहा है, तो जस्ट प्रेस इट एंड अप्लाई। ओके, इसके लिए आप छोटी स्पैचुला भी यूज कर सकते हैं, बट आई हैव यूज्ड क्योंकि ये फैलाने में आसान होता है। ओके, ये हम सिर्फ क्रम कोटिंग दे रहे हैं कपकेक को। ओके, ये हमारी फाइनल कोटिंग नहीं है, ये सिर्फ क्रम कोटिंग है कपकेक की। अब शायद आप लोग देख सक रहे हो पाइनएप्पल दिख रहा है, पाइनएप्पल। ओके, ये हो गया हमारा क्रम कोट। अब मैं इसमें फाइनल कोट लूंगी। इसके लिए हम जो मैं लीव्स बताने जा रही हूँ वो बिना नोजल के मैं बताऊंगी, और जो मैं बॉडी लेयर जो पाइनएप्पल की है वो मैं विथ नोजल बताऊंगी। ओके, तो मैंने दिस इज वेरी ट्रेंडी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी ने देखा होगा इस तरह का केक, और ये स्टेज पे भी शायद अब तक नहीं हुआ है। तो दिस इज वेरी ट्रेंडी, मैंने कुछ नया लाने की कोशिश की है। होप सो आप सभी को पसंद आ रहा हो। ओके, मैंने ये बाउल कोई नहीं खाएगा। ओके, ये हम ही खाएंगे या देंगे। ओके, ये मैंने कुछ ज्यादा कलर नहीं डालना, बिकॉज इट विल बी वेरी बिटर, तो आपको ज्यादा कलर नहीं डालना, थोड़ी सी कलर डालनी है। ओके, और येलो, और मैं दूसरी पाइपिंग बैग लूंगी जिसमें मैं सबसे पहले तो नोजल लूंगी, 366 नोजल नंबर 366। ओके, इस तरह की कुछ इस तरह की होती है। ओके, नोजल नंबर 366, आप चाहो तो इस तरह से स्क्वायर्स भी देके आप उसको पाइनएप्पल लुक दे सकते हो क्रिस क्रॉस करके, बट मैं इसे सिर्फ और सिर्फ नोजल से डेकोरेट करूंगी, क्योंकि मैं ये जो सेशन दे रही हूँ ये उनके लिए भी है जिनके पास जिनको आइडिया नहीं है केक्स की, वो भी सीख सकते हैं। ओके, तो मैंने इसमें येलो कलर डाला है, एंड येलो को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इफ यू वांट शेड यू कैन ऐड अ बिट रेड। ठीक है, मैं इस पाइपिंग बैग के अंदर भी डालूंगी कलर, क्योंकि मुझे शेड वाली चाहिए। ओके, इस तरह से आपको कलर डालनी है, फ्यू ड्रॉप्स, ज्यादा नहीं, बिटर हो जाएगी। ओके, ऐसे ऐसे रबड़। ओके, एंड देन अब इसमें ओके एयर निकालनी है। ओके, अब इसमें सिर्फ प्रेस एंड लीव। ओके, दिस मेथड आपको इसका रास्ता प्रेस करनी है, लीव करनी है। ओके, प्रेस एंड लीव, प्रेस एंड लीव, तो वो जो पोक्स होती है ना, वो पाइनएप्पल में जो पोक्स होती है वो दिखेगी, वो लगेगी। 366 नोजल नंबर। ओके, ये बहुत सिंपल है, एंड ये नोजल इसलिए यूज किया बिकॉज एवरीवन कैन नॉट यूज द डायगनल मेथड, जो डायगनली क्रिस क्रॉस करके भी आप लुक दे सकते हो। आप ये केक कोई देख के नहीं बोलेगा कि ये आपने कपकेक से बनाया है। ओके, okay.
इसमें हमें क्रीम बहुत कम यूज करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, ये बहुत जल्दी बनता है, जिन्हें केक नहीं है, टिन नहीं है, वो कपकेक यूज करके भी इस तरह का बना सकते हैं। ओके, और एक और अच्छा लुक देने के लिए मैं बताऊंगी, जुड़े रहिए, लास्ट में बताऊंगी सारी चीजें, अभी नहीं बताऊंगी। ओके, अब मेरा ये लास्ट आ गया है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। दिस प्रेस एंड लीव। ओके, तो आप सभी को शायद दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो। ओके ओके, सो अब हो गया यहाँ। अब नेक्स्ट मैं जो बना रही हूँ वो है लीव। लीव पे हम लीव पे मैं लीव पे आई विल नॉट यूज या थैंक यू। ओके, लीव पे मैं बिना नोजल के बताऊंगी। तो बिना नोजल के लीव को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। ओके, सबसे पहले मैं बाउल, यही येलो वाले बाउल है। ओके, येलो वाले बाउल में एड सम ग्रीन कलर। इसमें मैं थोड़ा ग्रीन कलर, कलर अच्छी क्वालिटी का लें, क्योंकि कस्टमर अट्रैक्ट होता है कलर से एंड लुक से एंड प्रेजेंटेशन से। तो कलर अच्छी क्वालिटी का ले ताकि वो कलर ब्राइट आए। ओके, और जब भी आप पेटल्स बना रहे, जो लीफ बना रहे, उसकी जो टेक्सचर होनी चाहिए लीव्स की, वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो लीफ सही से नहीं बनेगी। ओके, आपके जो क्रीम है वो बहुत ये हो जाएगा। ओके थैंक यू, तो आपका जो क्रीम है वो फट के आएगा एंड दैट विल नॉट लुक गुड, वो अच्छी नहीं दिखेगी आपको, या इनफैक्ट कस्टमर को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो जब भी आप लें तो आप, मैंने जो येलो, मैंने जो ग्रीन कलर का पाइपिंग बैग लिया था उसी पे मैं लूंगी। ओके, आई एड लिटिल बिट ऑफ ग्रीन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे राउंड कट कर दिया है। ओके, अब मैं इसमें लुक कैसे लाऊं। ओके, सो आई विल एड इट, मैं दिखाती हूँ बिना पेटल, बिना नोजल के कैसे बना सकते हैं। ओके, सो मैंने अभी, ओके, फिर इसमें हम क्या करेंगे, ये आप देख रहे हो। ओके, टिप, ओके, ये टिप आप देख रहे हो, इसको आपको बी कट करनी है। ओके, बी कट करनी है कुछ इस तरह से। ओके, जितना बड़ा बी कट करोगे उतनी अच्छी पेटल आएगी, क्योंकि हर साइज की पेटल्स नहीं होती है। तो हम हर साइज की पेटल्स की जो नोजल्स होती है वो नहीं होती है, इसलिए हम ये इस तरह से करेंगे। ओके, इसको आपको इस तरह से, यू हैव टू पुल, प्रेस एंड पुल, प्रेस एंड पुल। ओके, और ये हो गया हमारा पाइन एप्पल। अब इसमें मुझे थोड़ा 3D इफेक्ट देना है, तो मैं इसे थोड़े ऊपर से लूंगी। ओके ओके, सो आई होप बन गया पाइन एप्पल, पुल अपार्ट कपकेक की पाइन एप्पल। ओके, आई थिंक एवरीबडी कैन सी।
ओके अब मैं इसे खड़ा करके नहीं दिखा सकती, आई विल टेक अ पिक्चर एंड शो, बट आप इसे इस तरह से देख सकते हैं. ओके थैंक यू. दिस इज हाउ द पाइनएप्पल लुक्स. ओके 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 अब बताओ आपको किसी को कोई डाउट है. ओके हाँ श्योर, पिक्चर देख लें, भेज दूंगी मैं पिक्चर. ओके किसी को कोई डाउट है तो दे कैन क्वेश्चन, ऐसे भी दिखा सकती हूँ मैं. ओके पाइनएप्पल. ओके ये है पुलापाट कपकेक पाइनएप्पल शेप का मैंने बनाया है, तो आप इसको अगर ट्रैवल पे है तो नीचे स्टिक कर ले, नहीं तो फिर ये हिल सकती है. ऐसे हिलेगी नहीं बट हिल सकती है, तो आप इसको नीचे स्टिक भी कर सकते हैं ऐसे मैंने. ओके आई होप एवरीवन इज क्लियर. ओके किसी को कोई डाउट है. थैंक यू सो मच. दिस वॉज सम ऑफ माई इनोवेशन, मैंने खुद से रिसर्च करके इनोवेट किया है. आई होप मेरा काम आप सभी को अच्छा लगा. और ये इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें मैंने नोजल्स यूज किया है. ओके एंड ये पूरी पाइनएप्पल लुक भी दे रही है. 366 नोजल नंबर है. ओके 366 नोजल नंबर है जो ये पाइनएप्पल लुक देगी. ओके थैंक यू सृष्टि जी. और ये बहुत ही अभी जैसे दशहरा आ रहा है फलहारी में, आप ये फलहारी केक दे सकते हैं. ओके आप एप्पल बनाओ, स्ट्रॉबेरी बनाओ, स्ट्रॉबेरी में यू कैन यूज दैट शेप, स्ट्रॉबेरी का शेप बनाओ, एप्पल अंगूर सब कुछ आप बना सकते हैं. ओके ओके आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं तो आई कैन लॉग ऑफ. ग्रेप्स बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी बना सकते हैं, एप्पल बना सकते हैं, लीची बना सकते हैं. आप फ्रूट वाले दशहरा स्पेशल में फ्रूट वाले कपकेक्स रेसिपी आप गिफ्ट कर सकते हैं किसी को भी. ओके जैसे मेरा ये ज्यादा टाइम नहीं लिया, 20 मिनट्स लगता है हार्डली. अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो 30 मिनट्स लगेगा. तो आप ये फ्रूट वाली केक भी दे सकते हो. दिस इज वेरी ट्रेंडी और इसमें कम है. यू कैन जस्ट पुल इट, अभी यहीं से दिख रहा है, कैन जस्ट पुल एंड ईट, आई डोंट हैव टू कट द केक. ओके आई कैन जस्ट पुल इट एंड ईट इट. ओके सो थैंक यू सो मच. थैंक यू टू द कंप्लीट टीम ऑफ खाद्या खुराक. हाँ कपकेक रेसिपी मैं भेज दूंगी, डिस्क्रिप्शन में एड कर दूंगी अभी. ओके I hope everyone liked this session and we'll meet you soon. Thank you so much. Thank you.